प्रदेश के रतलाम में लगातार खाद्य विभाग की छापेमारी से शहर में दहशत। लोगों की जान से हो रहा था खिलवाड़, तब जाके प्रशासन ने ली सुध। रतलाम जिले के जावरा में हो रही लगातार खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई से शहर में दहशत का माहौल बन गया है। जहां अरोरा स्वीट्स की दुकान पर जावरा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अनुसार खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई में लगभग एक महीने पुराना एक कुंटल 26 किलो मावा जब्त कर कार्रवाई की एवं शेष मावा जब्त कर फोरेंसिक लैब भेजा। अनुविभागीय अधिकारी MLR से चर्चा में उन्होंने बताया कि दो क्विंटल मावा जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिस पर फफूंद आ गई थी, उस मावे को टीम द्वारा नष्ट करा दिया गया और उन्होंने कहा कि मावे में किसी भी प्रकार की मिलावट पाई जाती है तो आरोपी के ऊपर कार्रवाई कर उसे जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है और 2 से 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। ये क्या कुछ माल जब्त किया है क्या? आज जावरा में हमने जो कौन सी गली है वो हवा गली, उसमें लीलाधर अरोड़ा नाम की जो मावा व्यापारी है उसके वहाँ से लगभग 12 क्विंटल 60 किलो मावा को जो पूरा बहुत महीनों पुराना था, जो 25-25 और 10-10 किलो के पैकेट में फ्रीजर में रखा हुआ था, वो नष्ट होने लायक था। उसका नमूना लेके वो नष्ट कर दिया हमने वहीं पर। और लगभग 2 क्विंटल 75 किलो मावा जो है हमने उसको सील किया है और वहीं सील करके उसे वहीं उसकी दुकान में सील कर दिया है, उसका भी नमूना लिया है। इस प्रकार से ये लगभग 15 क्विंटल 35 किलो मावा हमने जब्त करा है। क्या क्या कुछ कार्रवाई है सर, ये आगे जो रिपोर्टें जो आएंगी उसके आधार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? सैंपल लिया जाता है, सैंपल प्रयोगशाला में भेजा जाता है, कुछ मानक होते हैं, उन मानक के आधार पर अगर मावा सही नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ फिर दंडात्मक कार्रवाई होती है, जिसमें 6 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, जेल भी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।